अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, आप खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें। सब बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग। सुबह की चाय है जी हमारी, ये देखें जी अंडे और चाय। तो अल्लाह पाक आपका दिन बहुत अच्छा गुजारे और अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, आमीन। तो जी सबसे पहले जो गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ये देखिए जी हमारी चाय, बहुत मज़ेदार चाय तैयार हो चुकी है। तो जी चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और आगे शेयर भी करें। तो प्लीज़ जो है ना, आज मैं आप सबको बोल रही हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे बताएं कि किसने मेरी वीडियो को आगे शेयर किया है। प्लीज़ शेयर करके फिर जो है ना कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, छोटी सी वीडियो है, इतनी बड़ी नहीं है, तो फुल वॉच कीजिएगा और आगे शेयर करें। और जितने भी न्यू मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर सब करें। तो ये है जी पर्स है मेरा, तो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा इसका जो है ना कलर है पिंक, तो साथ पिंक धागा जो है ना मैंने लिया है और इसको मैं खुद ही जो है ना ठीक कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं कुरेशी के साथ करती हूँ, लेकिन कुरेशिया जो है ना नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि ये मोटी जो सुई होती है जिसके साथ रज़ाइयाँ वगैरह जो है ना बनाते हैं उसके साथ कर लेती हूँ। तो ये पर्स जो है ना मैं साथ का मिला के धागा, तो ये मैं सही कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो वैसे अभी नया ही है, नया ही लिया था, लेकिन जल्दी ही जो है ना इसकी यहाँ से ना थोड़ी सी सिलाई जो है ना वो निकल गई है। तो मैंने सोचा चलें ये घर में ही इसकी ना इसको सही कर लेते हैं, बाज़ार भेजने से बेहतर है कि चलें जी थोड़ा सा जो है ना गुज़ारा बना लेते हैं। तो सही है, साथ धागा इसके साथ का है तो बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जी ये जो है ना पर्स हो गया ऐसे ही, ये देखें तो चलें जी। अब जो है ना भाभी जो है ना वो क्या कर रही हैं, भाभी को देखते हैं। तो भाभी जो है ना वो लगा रही हैं पैपिंग। पैपिंग लगाने का तरीका जो है ना, मैं भाभी से मैंने कहा है कि मुझे आप बताएं, क्योंकि मुझे जो है ना कपड़े में सिलाई जब अपने करती हूँ तो मुझे पाइपिंग जो है ना सही तरीके से लगानी, मैं दूसरे तरीके से लगाती हूँ, लेकिन ये वाला जो तरीका है जैसे भाभी लगा रही हैं ये बहुत ज़बरदस्त है, आसान है और सफाई के साथ जो है ना पाइपिंग लगती है। इसकी डबल सिलाई ऊपर से फिर नज़र नहीं आती है, पाइपिंग की सिंगल ही आती है, ये देखें ऐसे। तो अभी एक दफ़ा फिर जो है ना मैं भाभी को कहती हूँ कि फिर एक दफ़ा हमें बताएं, कपड़ा रख के उसके ऊपर पाइपिंग रख के। ये ऐसे रख के फिर इसको सिलाई लगा के ऐसे करेंगे तो फिर इसकी ये वाली सिलाई नज़र नहीं आएगी, दो सिलाइयां नहीं नज़र आएंगी। तो ये है जी अब शाम का टाइम, मगरिब के बाद का टाइम है और ये हम मैं बना रही हूँ सालन। ये कलेजी का सालन बना रही हूँ मैं, ये टेबल के ऊपर ही मैंने जो है ना चूल्हा रखा हुआ है सिलेंडर, और लहसुन जो है ना मैंने ऐसे काट के छोटा छोटा छुरी के साथ तो मैंने डाला है, मुझे इस तरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हमारा सालन जो है ना तैयार हो रहा है, तो अब हम सालन तैयार करके फिर खाएंगे खाना और जलेबी हमारी तैयार। तो ये जी हम गए थे खाना खा के, फिर हम गए थे बाहर बेकरी से कुछ सामान लाना था सुबह के लिए, ये डबल रोटी और बिस्किट और वो चॉकलेट बच्चों के लिए, और वैसे खुला दूध भी हम लेते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह माय हस्बैंड जो है ना वो सेट करके रख रहे हैं, खुला दूध हम लेते हैं, लेकिन ये अब मैंने कहा ऐसे ऐसे चॉकलेट के ऊपर रखते हैं तो डब्बे भी ला कर रखने पड़ते हैं, किसी टाइम जो है ना दूध फिर वो जो खुला हम लेते हैं वो ख़त्म हो जाता है, कोई मेहमान आ जाता है तो फिर डब्बे जो है ना वो ज़रूरत पड़ते हैं। और ये कुछ कोकोमो चॉकलेट बिस्किट और लिप्टन पत्ती हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं, मुझे बहुत पसंद है लिप्टन पत्ती की चाय। तो ये डबल रोटी ताज़ी, बिल्कुल ताज़ा है डबल रोटी,
मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें जी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।